नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज़ी में। मैं हूं आपके साथ आयुष गुप्ता। द न्यूज़ी आपके लिए हमेशा से ही ऐसा कंटेंट परोसता है जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसको देखकर आप बहुत कुछ सीखेंगे, जिसको देखकर आप बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जिसको देखकर आप शायद थोड़े से भौचक्के रह जाएंगे कि क्या ये बात सच है। आइए जानते हैं इस बात पर पूरा सच। कहानी दरअसल यूं है कि एक सांप ने कैसे एक महिला की मांग भर दी। आइए देखते हैं इस पर पूरी रिपोर्ट। सांपों की कहानी हमेशा से ही हमें उन्हें जानने पर मजबूर करती है। इस दुनिया के अलावा बताया जाता है कि सांपों की दूसरी दुनिया भी है जिसमें इनकी नागमणि मौजूद है। सांपों की ऐसी ही दिलचस्प कहानी हम आपके लिए भी लेकर आए हैं। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसको सांप अपने साथ उठाकर ले गया। ये खबर कसकेला गाँव की है, जहाँ एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने दावा किया है कि उसके घर में इच्छाधारी सांप घुस गया और उससे शादी की। सांप ने जब शादी की तब वह लड़की अपने घर में अकेली थी। किशोरी ने यह दावा किया कि सांप उसे नागलोक भी ले जाना चाहता था। लड़की ने बताया कि लड़की ने सांप को जब छुआ तो सांप एक हष्ट-पुष्ट लड़का बन गया। इसने बताया कि वह श्रापित था जिससे वह सांप बना हुआ था। हमारे वायरल टेस्ट में यह न्यूज फेक बताई गई है। तो ये थी हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और द न्यूज़ी को ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद।